वॉट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व विद द नेकेड आई एंड कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। दे आर वेरी वेरी टाइनी, इतने छोटे वो होते हैं। और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्टडी जिसमें होता है उस साइंस की ब्रांच को, यानी कि बायोलॉजी की ब्रांच को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। सो वेलकम बैक टू माई चैनल स्टूडेंट्स। इन लास्ट सिक्स वीडियोज वी हैव कम्प्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, हाउ टू इंक्रीज इट। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गे, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। सो जस्ट नाउ वी हैव सीन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेफिनेशन। सो हियर यू कैन सी सम पिक्चर्स आर देयर एंड रोटन फूड इज देयर, सड़ा गला जो फूड होता है, खाना होता है। सो यू मस्ट हैव नोटिस दैट दिस फूड आइटम्स लेफ्ट इन द ओपन, अगर हम इनको ओपन में ऐसे ही रख देते, दे रोट, खराब हो जाता है एंड स्पॉइल हो जाता है एंड इट बिकम्स अनफिट फॉर कंजप्शन, वी कैन नॉट ईट। सो ईटिंग सच डिकेड फूड प्रोडक्ट्स कैन बी इंजुरियस टू आवर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए नुकसानकारक होता है। एंड सिमिलरली द वाटर दैट वी ड्रिंक विच इज़ डर्टी वाटर, दैट इज़ विदाउट प्योरीफिकेशन, जिस वाटर को प्योरीफाई नहीं किया है, ऐसा वाटर जो है, इट ऑल्सो नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। वाई? बिकॉज दिस डिकेइंग फूड एंड दिस डर्टी वाटर मे कंटेन सम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंड दीज ऑर्गेनिजम्स कॉमनली रेफर्ड एज जर्म। इनको हम कहते हैं जर्म्स, जो डर्टी पानी में और सड़े गले फूड में जो होते हैं जर्म्स। तो दीज जर्म्स आर सो स्मॉल दैट दे आर इनविजिबल टू अवर आइज, वो हमें नहीं दिखाई देते लेकिन वो होते हैं, दे आर सो स्मॉल। एंड सिंस दिस ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन ओनली थ्रू द माइक्रोस्कोप, दे आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं उनको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका जो स्टडी करते हैं उन साइंटिस्ट को कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। व्हाट दे आर कॉल्ड? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ दिस माइक्रोब्स आर एवरीवेयर, दे आर एवरीवेयर अराउंड अस, बट वी कैन नॉट सी देम एज दे आर वेरी वेरी टाइनी, बट दे कॉज मेनी हार्मफुल डिसीजेज लाइक कॉमन कोल्ड, मलेरिया, स्किन इन्फेक्शन, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, टिटेनस, कॉलरा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, एड्स एंड सो ऑन। दे नॉट ओनली कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग, इन सब में जो डिजीज कॉज होते हैं उनका रीजन होता है जर्म्स, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बट सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस बिकॉज वी यूज देम फॉर मेकिंग सम फूड प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड एंड चीज। Also, we make bread, cakes, pastries, alcohol, acetic acid, and some medicines like antibiotics. So, in this video, we are going to read about the five types of microorganisms. This is first video of this new chapter, that is microorganisms. And afterwards, we will read about useful microorganisms and harmful microorganisms. Okay, so let us see first where these microorganisms found. Ye kahan rehte hain? Where are they living? Now, as we know, they are present everywhere. हर जगह ये होते हैं, every place, such as air, water, ice cold water, marine water, deserts, polar regions, food, and even inside our bodies. हमारी body के अंदर भी ये रहते हैं, तो हर जगह वो रहते हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि कोई ऐसी जगह है जहाँ ये microorganisms grow नहीं हो सकते। They can live and survive in almost all kinds of environment. Hot springs जो होते हैं, गर्म पानी के झरने, वहाँ भी ये रहते हैं। जो ग्लेशियर्स होते हैं वहाँ भी ये रहते हैं। सॉल्टी वाटर हो, फ्रेश वाटर हो, किसी भी तरह की सॉइल हो, वहाँ पर ये ग्रो होते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी रहते हैं एज अ पैरासाइट। बट वन थिंग इज़ वेरी डिफरेंट दैट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इन अनफेवरेबल कंडीशन, जब इनके कंडीशंस अनफेवरेबल होते हैं ग्रोथ के लिए, उस टाइम ये क्या करते हैं? दिस ऑर्गेनिज्म डेवलप अ हार्ड कवर अराउंड themselves, it is known as cyst. वो अपने चारों ओर एक ऐसा कवर बनाते हैं जिसको कहते हैं cyst. ओके, तो ये जो cyst होता है ये उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करता है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इट रिमेन्स इनएक्टिव विद इन द cyst टिल द कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी बिकम फेवरेबल अगेन।
तो जब तक उनकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं हो जाती है एटमॉस्फेयर में, तब तक वो ग्रो नहीं होते। तो दिस इज़ वेरी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड दैट्स वाई दे कैन लिव एवरीवेयर। ओके, दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन टू फाइव मेजर ग्रुप्स: बैक्टीरिया, वायरसेस, अल्गे, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। वी विल स्टार्ट विथ बैक्टीरिया। सो वॉट आर बैक्टीरिया? दीज आर वेरी स्मॉल सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हैव सेल वॉल्स बट डो नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस एंड अदर स्ट्रक्चर्स। ये एक बहुत प्रिमिटिव टाइप का सेल होता है जिसको प्रोकैरियोट भी कहते हैं, और ये ऐसा सेल है जिसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। सिंपल वो जो है थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें, बट इसमें वो जो दूसरे सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी नहीं होते। तो व्हेन यू विल स्टडी अबाउट द सेल यू विल कम टू नो, थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा कि सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, तो बैक्टीरिया जो है दे आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स एवरीवेयर, हर जगह ही होते हैं। एयर, सॉइल, वाटर, हर सरफेस पे होते हैं। एवरी सरफेस ऑन आवर बॉडीज एंड इवन इनसाइड आवर बॉडीज ऑल्सो, हमारी बॉडी के अंदर भी ये होते हैं। तो ये जो कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि माउथ एंड थ्रोट, गट, स्किन, वजाइना, स्टमक, नोज, दीज आर द पार्ट्स वेयर दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन। नाउ देयर आर मेनली थ्री ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। तो शेप्स के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं: स्फेरिकल, उनका शेप होता है, रॉड लाइक होता है, और स्पाइरल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग उनके थ्री टाइप्स होते हैं। स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ बैक्टेरियम। सो सिंगुलर इट इज़ बैक्टेरियम, सिंगुलर जब होता है तो वो बैक्टेरियम होता है और प्लूरल उसका होता है बैक्टेरिया। सो हियर यू कैन सी स्फियर शेप बैक्टेरिया, स्ट्रेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड डिप्लोकोकाई। तो स्फियर शेप जो बैक्टीरिया होते हैं उनको कहते हैं कोकाई, दे आर नोन एज कोकाई। देन रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं कुछ, दे आर नोन एज बैसिलस। बैसिलस सिंगुलर है और बैसिली जो है वो प्लूरल है। तो ये रॉड शेप बैसिली, स्ट्रेप्टोबैसिली एंड कोकोबैसिली, दीज आर सम एग्जाम्पल्स। देन स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं इस शेप के, आप देख सकते हो इस तरह का उनका स्ट्रक्चर होता है। तो दिस इज विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी ये बैक्टीरियम है जो कि कॉलरा डिजीज जो है उसका एक कॉजिंग एजेंट है। ओके, देन दिस इज स्पाइरिला एंड दिस इज स्पायरोचिटी। दिस इज दीज आर द सम स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। देन हेयर यू कैन सी टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर देयर एंड दे आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टेरिया। दिस फर्स्ट वन इज द लैक्टोबैसिलस। दिस इज लैक्टोबैसिलस बैक्टेरिया एज दे हैव रॉड शेप्ड। उनका शेप कैसा है? रॉड के जैसा, इसलिए वो बैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टेरिया है जो कि मिल्क में होते हैं, है ना? दे आर फाउंड इन मिल्क एंड इट इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग द डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड है, चीज़ है, इनसे हम बनाते हैं बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन द मिल्क। ओके, देन सेकेंड बैक्टेरिया दैट इज़ यूजफुल फॉर प्लांट्स इट इज़ राइजोबियम। दिस इज़ अगेन रॉड शेप बैक्टेरिया, इट इज़ राइजोबियम एंड दिस बैक्टेरिया लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ सम लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे कि पी है, ग्राउंड नट्स है, काउ पीज है, उनके रूट के नोड्यूल्स के अंदर ही रहता है एंड इट हेल्प्स इन फिक्सिंग द नाइट्रोजन, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। तो दीज आर सम बैक्टेरियाज दैट आर यूजफुल फॉर अस एंड मैनी बैक्टेरिया आर ऑल्सो हेल्पफुल इन द डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर। ओके, बट सम ऑफ द बैक्टेरिया ऑल्सो कॉज डिसीजेज लाइक कॉलरा, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, वी से टीबी, देन डिफ्टेरिया, वुपिंग कफ एंड फूड पॉइजनिंग, दीज आर कॉज्ड बाय बैक्टेरिया। सो यू कैन सी दीज ह्यूमन डिसीजेज, दीज ऑल आर कॉज्ड बाय बैक्टेरिया। सम बैक्टेरिया आर ऑटोट्रॉफिक, दैट मीन्स दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट और केमिकल रिएक्शंस। वो अपना फूड खुद बनाते हैं, दे आर नोन एज साइनो बैक्टेरिया और कॉमनली नोन एज ब्लू ग्रीन अलगे। ओके, बट सम बैक्टेरिया आर हेटरोट्रॉफिक, मीन्स दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, सो दे मे बी सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक मोड से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो उनको जो फूड मिलता है वो डेड या फिर डिकेइंग मैटर से मिलता है बिकॉज दे आर हेटरोट्रॉफिक। देन नेक्स्ट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज वायरसेस। वायरस
is the singular, while viruses is the plural. So these are the smallest microorganisms, and they can only be seen with the help of an electron microscope, which has the capacity to magnify an object up to 2 lakh times. जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं वो इतना ज़्यादा मैग्नीफाई करके हमें चीज़ों को दिखाते हैं, 2 लाख टाइम्स. ओके, तो इतने ये छोटे होते हैं कि उनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है. दिस वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे डेवलप ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट सेल. ये सिर्फ होस्ट सेल के अंदर डेवलप हो सकते हैं. उनको डेवलप होने के लिए होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती है, एंड ये होस्ट हो सकता है कोई ऑर्गेनिजम्स लाइक कोई एनिमल, प्लांट और अ बैक्टीरियम, बिकॉज वायरसेस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया. ओके, सो वायरसेस डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. वो लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नहीं शो करते हैं, बट दे ओनली कैन सर्वाइव और दे ओनली कैन रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई इनसाइड द सेल्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स. जैसे मैंने पहले कहा, होस्ट सेल के अंदर या फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म की सेल्स के अंदर वो डिवाइड और मल्टीप्लाई हो सकते हैं. सो एज लॉन्ग एज वायरसेस आर आउटसाइड द लिविंग सेल, दे विल बिहेव लाइक अ नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग सेल के बाहर वो नॉन लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करते हैं, बट एज सुन एज द वायरसेस एंटर द लिविंग सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक लिविंग थिंग्स एंड दे कैरी आउट प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. एंड ड्यू टू दिस रीजन वायरसेस आर सेट टू बी लाई ऑन द बॉर्डर लाइन दैट इज डिवाइडिंग द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. और इसीलिए उनको ऐसी बॉर्डर लाइन पर रखा गया है जो नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि उनको टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. ओके, सो दिस वायरस इज हाउ दे एंटर इन द सेल. यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस. इट बिकम्स अटैच टू द सेल. यहाँ पर जो ये वायरस है वो उस सेल को अटैच हो जाता है. देन इट एंटर्स द सेल, देन इट ब्रेक्स डाउन. वो अपने जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, इसका जो कंटेंट होता है वायरस का, वायरल आरएनए जो होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर जाता है यहाँ पर, और वहाँ पर रिप्लिकेशन होता है. उस रिप्लिकेशन के बाद ये जो मटेरियल है वो और दूसरे वायरसेस मटेरियल बनाने के लिए काम आता है, और इस तरह से वायरस जो है वो सेल के बाहर जाता है. तो जो न्यू वायरल पार्टिकल्स हैं दे आर मेड इनसाइड द सेल हियर, और इस तरह से वो बाहर की तरफ वापस मूव करते हैं. नाउ द सेल विच इज़ नॉट किल्ड इन द प्रोसेस कंटिन्यूज टू मेक न्यू वायरस. जब तक ये सेल जो है वो किल नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, तब तक ये इस तरह से वायरसेस बनाती रहती है. तो इस तरह से एक लिविंग सेल के अंदर ही ये वायरस जो है वो मल्टीप्लाई हो सकता है. नाउ हियर यू कैन सी वन एग्जाम्पल, दिस इज बैक्टीरियोफेज. तो वायरसेस जो हैं दे आर द एजेंट्स ऑफ डिसीजेस. ये अलग अलग डिसीजेज जो हैं उनका रीज़न है ह्यूमन बॉडी में या फिर दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर. तो ह्यूमन डिसीजेस जैसे कि कॉमन कोल्ड है, देन इन्फ्लुएंजा है, फ्लू जिसको हम कहते हैं, मिजल्स है, दिस इज मम्स वायरस. मम्स होते हैं ना ह्यूमन बींग्स में, उसका ये वायरस है. देन पोलियो वायरस इज देयर, है ना, पोलियो जिससे होता है. तो पोलियो में आप देख सकते हो कि जो लेग्स मसल्स होती हैं वो इस तरह से डिफेक्टेड हो जाती है. यहाँ आप देख सकते हो आर्म की जो मसल्स होती हैं वो भी डिफेक्टेड हो जाती है. सो 24 अक्टूबर जो है वो पोलियो डे के रूप में मनाया जाता है. इट इज़ द पिक्चर ऑफ 2018, बट एवरी ईयर 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है. देन यू कैन सी दिस इज़ द वायरस ऑफ कॉमन कोल्ड, देन इन्फ्लुएंजा जिसको हम कहते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. देन मिजल्स है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, ये अलग अलग वायरसेस आप देख सकते हो यहाँ पर. दिस इज़ अगेन डिफरेंट वायरस. ये एचआईवी वायरस है, एचआईवी वायरस का एक स्ट्रक्चर है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस. देन दिस इज़ द मोस्ट, अभी जो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में हम बातें करते हैं, कोरोना वायरस. तो ये उसका आउटर स्ट्रक्चर है और ये उसका इनर स्ट्रक्चर है. तो दिस इज़ कोरोना वायरस एंड दिस इज़ टोबैको मोजाइक वायरस. ये प्लांट्स वायरस है, प्लांट्स में ये होता है और प्लांट्स को ये अफेक्ट करता है. सो दिस डिजीजेज दैट आर कॉज बाय वायरसेस इन ह्यूमन बींग्स, दे कैन नॉट बी ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक्स. उनके लिए कोई एंटीबायोटिक्स नहीं होती है. एंटीबायोटिक्स जो है उनको काम नहीं करती, उनके ऊपर काम नहीं करती. ओके, देन द थर्ड ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज प्रोटोजोआ. सिंगुलर वी से प्रोटोजोन.
सो दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड दैट एग्जिबिट एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स. इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, दे आर लाइक एनिमल्स एंड दैट्स वाई दे आर एनिमल लाइक, जस्ट एज अल्गे आर प्लांट लाइक. सो प्रोटोजोआ दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, डर्टी वाटर ड्रेन्स, रिवर्स, सी वाटर, डैम सॉइल. जनरली वो एक्वेटिक जो हैबिटेट्स होते हैं वहाँ पर वो पाए जाते हैं. तो सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ आर अमीबा. अमीबा आपने वर्ड सुना होगा, देखा भी होगा इसका पिक्चर वगैरह, डायग्राम. सो दिस इज एंटामीबा, स्पीसीज ऑफ अमीबा, इसका ही एक स्पीसीज है. तो एंटामीबा जो है, इट इज अ प्रोटोजोन विच कॉज डिजीज नोन एज अमीबिक डिसेंट्री. इसकी वजह से अमीबिक डिसेंट्री होती है, ह्यूमन बींग्स का एक डिजीज है ये. देन दिस इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, दिस इज द डायग्राम ऑफ अमीबा. आपने अमीबा के बारे में पढ़ा भी होगा कि इसके सूडोपोडिया होते हैं, वो अपने सूडोपोडिया से फूड कैच करता है, मूव करता है ना. सो दिस इज अमीबा. देन दिस इज पैरामेशियम, दिस इज अनदर प्रोटोजोन. दिस इज योग्लिना. दिस इज प्लाज्मोडियम. सो प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोन विच कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड मलेरिया इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन्स में जो मलेरिया डिजीज होता है, बीमारी होती है, इसका ये कॉजिंग एजेंट है, दैट इज प्लाज्मोडियम. सो प्लाज्मोडियम इज कॉमनली नोन एज मलेरियल पैरासाइट. ये एज अ पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर रहता है और ग्रो होता है, जिसकी वजह से मलेरिया डिजीज होता है. ओके, सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ प्लाज्मोडियम. ये पिक्चर जो है, इसमें एरिथ्रोसाइट के अंदर प्लाज्मोडियम है. एरिथ्रोसाइट मीन्स आरबीसीज, आरबीसीज के अंदर प्लाज्मोडियम है. देन हियर इट इज अनादर प्रोटोजोन नोन एज जियार्डिया. सो मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआ आर हेट्रोट्रॉफिक. बहुत सारे जो प्रोटोजोन्स हैं वो हेट्रोट्रॉफिक है, बिकॉज दे डो नॉट हैव एनी प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स. मीन्स दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक. तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये डिपेंड होते हैं फॉर फूड. ओके, प्रोटोजोआ हैव लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स दैट अलाउ देम टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हियर यू कैन सी दीज आर द सीलिया. ये सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हो, दीज आर सीलिया. And these are the locomotory structures. Means इनके help से वो movement करते हैं. They can go from one place to another place. Okay? जैसे कि अमीबा के अंदर सूडोपोडिया होते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, जस्ट हमने बात की. अमीबा के जो सूडोपोडिया होते हैं, उनके जो projections होते हैं ये वाले, इनसे वो locomotion करता है ना, place to place जाता है. इसी तरह से ये जो paramecium का एक cilia है ये वाला, तो इनसे वो movement करते हैं. So these protozoa have locomotory cilia for their movement. The fourth group of microorganisms is algae, singular we say alga. So these are some autotrophic organisms with undifferentiated plant bodies. Inki jo plant ke jaise structure hote hain inki body mein, but they are not differentiated. Unke kuch roots, stems, branches aise koi parts nahi hote hain, but they are autotrophic. That means they have chlorophyll and they can produce their own food by photosynthesis, just like plants, and that's why they are known as autotrophic. So algae is a very large group of simple plant-like organisms. Okay, they are also known as grasses of water. Unko grasses of water bhi kaha jata hai, because they are found abundantly in aquatic habitats. Aquatic jo habitats hote hain, wahan par ye bahut zyada quantity mein aap inko dekh sakte ho, and that's why they are known as grasses of water. So these algae, they are different from plants because they do not have proper roots, stems and leaves, but some of them have chlorophyll pigments and they are autotrophs. So some examples you can see here, these are green algae, then red algae bhi hote hain, brown algae bhi hote hain aur green algae bhi hote hain. These are the different types of algae. Then here you can see some examples. Chlamydomonas hai ye, this is Chlamydomonas, this is the माइक्रोस्कोपिक, जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसा दिखता है. एंड दिस इज द डायग्राम, डिफरेंट पार्ट्स आर देयर. देन नेक्स्ट वन इज स्पायरोगायरा. इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, इस तरह के कुछ प्लांट्स आपने पॉन्ड में या फिर रिवर में देखे होंगे, जो कि बिल्कुल ऐसे रेशे जैसे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना. और इसी को अगर हम थोड़ा मैग्नीफाई करेंगे तो यू विल सी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. तो एक सेल जो है वो ऐसी होती है, ये स्पायरोगायरा की सेल होती है. तो ऐसे ये बहुत लंबे लंबे थ्रेड्स होते हैं, आपने इसको बहुत बार देखा होगा. इट इज़ नोन एज स्पायरोगायरा. देन ब्लू ग्रीन अलगी, रेड अलगी जो है, दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग कल्चर मीडियम अगर, यूज्ड इन लैबोरेटरीज एंड हॉस्पिटल्स. आपको पता है कि जो लैबोरेटरीज और हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर कल्चर ग्रो करते हैं, टिश्यू कल्चर जिसको बोलते हैं. तो अलग अलग
टिश्यूज़ होते हैं उनके, जैसे कि बैक्टीरिया है या फिर कुछ रिसर्च करनी है, तो वहाँ पर एक मीडियम चाहिए होता है इनको ग्रो करने के लिए, तो वो होता है अगर। ये अगर जो मीडियम है इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रेड एंड ब्राउन अल्गे, इनको यूज़ करके बनाया जाता है। सम सब्सटेंसेज ऑब्टेन फ्रॉम अल्गे आर यूज इन यूज टू थिकन द फूड्स, जैसे आइसक्रीम्स और जेलीज के अंदर जो हम जिलेटिन डालते हैं है ना, वो बनता है अल्गे से। तो अभी हमने दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि अल्गे देखे, क्लैमिडोमोनास एंड स्पायरोगायरा। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन देम? सो दिस वन क्लैमिडोमोनास इज यूनिसेलुलर अल्गे, वाइल स्पायरोगायरा जो है इट इज़ मल्टी सेलुलर फिलामेंटस अल्गे। अभी हमने उसका एक ऐसा डायग्राम देखा था है ना, बहुत सारी सेल्स उसमें थी। देन क्लैमिडोमोनास हैज़ कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, स्पायरोगायरा हैज़ रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लैमिडोमोनास शोज लोकोमोशन एज इट हैज़ फ्लैजेला, इसका फ्लैजेला होता है तो वो मूवमेंट कर सकता है, बट स्पायरोगायरा जो है इट डज़ नॉट शो लोकोमोशन, ये एक ही जगह पर रहते हैं। क्लैमिडोमोनास हैज़ अ सिंगल पाइरेनोइड बॉडी फॉर स्टोरिंग स्टार्च, बट स्पायरोगायरा जो है उसमें बहुत सारी पाइरेनोइड बॉडीज होती है फॉर स्टोरिंग स्टार्च। तो स्टार्च को स्टोर करने के ये कुछ सेल के पार्ट्स होते हैं। ओके, तो इस तरह से इन दोनों में डिफरेंस है तो दोनों अलगे बट दे आर डिफरेंट। देन हियर यू कैन सी दिस वन इज़ ब्लू ग्रीन अलगे, इनको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन अलगे। आपने वाटर के सरफेस पे कुछ इस तरह का ग्रीन एक लेयर देखा होगा, दैट इज़ ब्लू ग्रीन अलगे, एंड माइक्रोस्कोप के नीचे ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। देन दीज आर डायटम्स, दीज आर ऑल्सो अलगे, एंड दीज आर सी वीड्स, सी के अंदर जो वीड्स होते हैं दे आर ऑल्सो वन टाइप ऑफ अलगे। देन द लास्ट ग्रुप दैट इज़ फिफ्थ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज फंजाई, सिंगुलर वी से फंगस। तो फंगस एक कॉमन वर्ड है जिसको आपने भी सुना होगा। सो दीज आर अ ग्रुप ऑफ प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड दैट एग्जिबिट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक होते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस। तो वो या तो सैप्रोफाइटिक होते हैं या फिर वो पैरासिटिक होते हैं, है ना। दे कैन बी सीन ग्रोइंग ऑन मॉइस्ट ब्रेड, लेदर, कॉटन, पेपर, इस तरह का फंगस आप देख सकते हो। जो बचा खुचा फूड होता है ओपन हम रख देते हैं उसके ऊपर इस तरह का फंगस ग्रो हो जाता है, दिस इज़ वन टाइप ऑफ फंगस। देन जो लेदर की चीज़ें होती है जैसे पर्स है, बेल्ट्स हैं, वैलेट्स है, तो जब मॉइस्चर होता है रेनी सीजन में एयर में उस टाइम इनके ऊपर ये ग्रो होता है। देन कॉटन है, पेपर के ऊपर भी ये लग जाता है, फंगस ग्रो हो जाता है। सो फंजाई जो होते हैं दे ग्रो विगरसली इन डैम्प, वार्म एंड डार्क प्लेसेस, जहाँ पर डैम्प यानी कि जिसको हम कहते हैं गीली है, गीलापन होता है एयर के अंदर, और थोड़ा सा वार्म्थ होती है, और डार्क प्लेसेस होती है यहाँ पर ये बहुत फास्ट ग्रो होते हैं। सो फंजाई जो है दे आर द लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड दे डू नॉट डू फोटोसिंथेसिस। तो सम एग्जाम्पल्स जो हैं हम देखते हैं अभी, दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई। सो हियर यू कैन सी दिस इज़ द राइजोफस स्टोलोनिफर। ये राइजोफस जो है वो कॉमन मोल्ड जो जिसको हम कहते हैं है ना, जो कि ब्रेड के ऊपर ग्रो होता है, जनरली ब्रेड है, चपाती है, फूड के ऊपर। तो इनके जो स्पोर्स होते हैं दे आर ऑलरेडी इन द एयर, वो एयर में हर तरफ होते हैं बट वी कैन नॉट सी देम। बट वेन दे गेट फूड लाइक दिस, जब ओपन हम फूड रख देते हैं, दे सेटल डाउन हेयर ऑन द फूड एंड दे स्टार्ट डेवलपिंग देयर कॉलोनीज। वो इस तरह की कॉलोनीज वहाँ पर डेवलप करते हैं और इस तरह से वो ग्रो होते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं, उनके स्पोरेंजिया जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, तो उनमें से स्पोर्स निकलते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये जो है बस्टिंग ऑफ इन इन स्पोर्स जो होते हैं वो इन स्पोरेंजियम में से बाहर निकलते हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं, और हवा में फैल जाते हैं चारों तरफ, बट वी कैन नॉट सी देम, है ना। और इसीलिए हमें फूड को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, जो भी खाना है चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, कुछ भी हो खाने की चीज़ें, उसको ढक के रखना चाहिए। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ फंगस राइजोपस है ना, जिसको हम कॉमन मोल्ड कहते हैं। देन हियर यू कैन सी दिस वन इज़ अनदर टाइप ऑफ मोल्ड। पहले हमने देखा वो था ब्रेड मोल्ड, ये है पेनिसिलियम। तो फ्रूट्स के ऊपर जो जनरली ग्रो होता है दैट इज़ पेनिसिलियम। देन ये है एस्परजिलस, ये एक और अलग मोल्ड है, मोल्ड का ये टाइप है एस्परजिलस। देन हियर यू कैन सी ईस्ट, ईस्ट जो है इट इज़ यूनिसेलुलर फंगस है ना, यूनिसेलुलर है ये, एंड इसको हम यूज़ कर, ये उसकी जो है सेल्स है ईस्ट की, और जब हम उनको फूड में यूज़ करते हैं जैसे कि आपको इडली बनानी है या फिर आपको ब्रेड बनाने हैं, तो उस समय हम ईस्ट को यूज़ करते हैं।
तो ईस्ट जो है बेकिंग में यूज होता है ना. सो दीज आर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ईस्ट. देन यू कैन सी हियर दिस इज अनदर टाइप ऑफ फंगस, इट इज मशरूम है ना. मशरूम्स होते हैं ये अलग अलग. देन दीज आर पफ बॉल्स, ये पफ बॉल मशरूम्स हैं. ये है टोड स्टूल, दिस इज नोन एज टोड स्टूल एंड दिस इज नोन एज पफ बॉल्स. देन दीज आर अगेन सम अनदर टाइप ऑफ फंगस, दिस वन ऑल्सो. बारिश के सीजन में हम बहुत सारे ऐसे जो अम्ब्रेलास के जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ वहाँ जो ग्रो होता होते हैं, जैसे कि कोई वुडन का लॉक पड़ा है या फिर कहीं पे कचरे का ढेर है ना, लीव्स है, ड्राई लीव्स है, वहाँ पर ये ग्रो हो जाते हैं बिकॉज दे आर डिकम्पोजर्स. ये जो है डिकेइंग जो मैटर होता है उसके ऊपर ग्रो करते हैं और इसीलिए इनको डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है. सो मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सैप्रोफाइटिक और वो अपना फूड जो है डेड थिंग्स जो होती है प्लांट्स और एनिमल्स की उससे वो फूड लेते हैं. कुछ फंजाई जो होते हैं वो पैरासिटिक भी होते हैं, यानी कि वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर ग्रो होते हैं. दे फीड ऑन लिविंग थिंग्स एंड कॉज डिसीजेस. अब ये जो है फंजाई ये भी डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि स्किन डिसीज होते हैं, रिंग वर्म है या फिर एथलीट्स फुट है. ये कुछ एग्जाम्पल्स है इनके डिसीजेस के जो कि इन फंगस की वजह से होता है. सो दीज आर ऑल्सो यू कैन सी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस. So here we have finished this topic, that is microorganisms. In our next video, we will read about useful microorganisms. So if you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Students, be safe, stay at home, take care of yourself and your family. We will meet again soon. Till then, take care. Bye-bye.